हेलो एवरीवन, आई माय सेल्फ सूरज मोदी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना हम लोगों को। अब हम लोगों को पहले ये देखना है कि इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो पहला वर्ड है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल। डॉक्ट्रिन मीन्स प्रिंसिपल, और से थ्योरी, ठीक है ना, प्रिंसिपल या थ्योरी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस। कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पे ये मान के चलता है कि सामने वाला को उस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब क्या चीज वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिव मतलब ये होगी कि सामने वाला को उसके बारे में फुल फुल इंफॉर्मेशन है, ये मान के चलता है, ठीक है ना। दैट इज द कॉन्स्ट्रक्टिव। वी एज्यूम डेट द पर्सन, द अपोजिट पार्टी मस्ट हैव आइडिया और नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नोटिस। नोटिस मतलब किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जनरली ये रिटेन में होता है, ठीक है, उसको हम लोग नोटिस बोला जाता है। तो ये हो जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा एक थ्योरी, ये थ्योरी है जिसमें सामने वाला को उस नोटिस के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले एज्यूम मतलब नॉलेज है बोल के हम लोग ये मान के चलते हैं, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस। अब जैसे सपोज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हम लोग कभी भी किसी कंपनी के वेबसाइट में जाएगा तो वहां पे उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। उसका कंटेंट्स के बारे में लिखा हुआ रहेगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेंट्स के बारे में उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के साथ डील करता है, ठीक है ना, कोई पर्सन किसी कंपनी के साथ डील करता है और वो कंपनी के ऊपर केस फाइल करता है, ठीक है ना, और ये बोल के कि उसको उस चीज के बारे में मालूम नहीं था, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं देखा और उसके कारण उसका कुछ लॉस हो गया, ठीक है, उसको मालूम नहीं था, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट हमेशा ये मान के चलेगा कि वो सामने वाला जो पर्सन है जो कंपनी के ऊपर केस फाइल कर रहा है कि ये बोल के कि मुझे इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा नहीं, मुझे मालूम नहीं था, उसके कारण मेरा लॉस हो गया, या फिर कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ लिखा हुआ था उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, इसके कारण मेरा लॉस हो गया, ठीक है ना। तो कोर्ट यहाँ पे हमेशा ये मान के चलेगा कि उस पर्सन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन था। इसका मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे उस पर्सन को उस आर्टिकल और एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में नॉलेज था बोल के कोर्ट हमेशा ये एज्यूम करेगा। वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, डेट इज हिज और हर मैटर, ठीक है ना। तो कोर्ट यहाँ पे हमेशा यही मान के चलेगा कि उस पर्सन को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में फुल आइडिया था, फुल नॉलेज था, ठीक है ना। तो इसी को लेके ये आ जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस जो ये टोटली मतलब कंपनी के फेवर में काम करेगा, और ये क्या नाम, आउटसाइडर्स मतलब जो कंपनी के ऊपर केस फाइल कर रहा है, ठीक है ना, जो केस फाइल कर रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को लेके कि उसके बारे में नॉलेज नहीं था, उसके कारण उसका लॉस हुआ, ठीक है ना, तो वो आउटसाइडर्स हो गया। तो आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में और कंपनी के फेवर में जाके ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस काम करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फेमस केस लॉ है, कोटला भेंकट स्वामी वर्स राममूर्ति। कोटला भेंकट स्वामी वर्स राममूर्ति, इस केस लॉ में क्या होता है, इस केस लॉ में एक कंपनी है, उस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि कंपनी जब भी मॉर्गेज डीड इशू करेगा, जब भी मॉर्गेज डीड बनाएगा, किसी से लोन लेगा अगेंस्ट मॉर्गेज और मॉर्गेज डीड बनाएगा, तो उस मॉर्गेज डीड में 3 पर्सन का सिग्नेचर रिक्वायर्ड है। नंबर 1 CS कंपनी सेक्रेटरी, वर्किंग डायरेक्टर्स एंड नंबर 3 इज द मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो कभी भी कंपनी मॉर्गेज डीड बनाएगा तो उस मॉर्गेज डीड में 3 पर्सन का सिग्नेचर रिक्वायर है, ये CS, WD, वर्किंग डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करता है, कंपनी यहाँ पे सिर्फ CS और वर्किंग डायरेक्टर का सिग्नेचर करवा के मॉर्गेज डीड इशू कर देता है, ठीक है, और यहाँ इसको में मैनेजिंग डायरेक्टर्स का सिग्नेचर लिख नहीं दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे कंपनी चला जाता है वाइंडिंग अप में, और कंपनी वाइंडिंग अप में जाने के बाद, कंपनी वाइंडिंग अप में जाने के बाद ये जो मॉर्गेजी होता है, ये मॉर्गेजी कंपनी के ऊपर केस फाइल करते हैं ये बोल के कि जिस मॉर्गेज के बेसिस पे वो कंपनी को लोन प्रोवाइड किया रहा
वो जो प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी उस पर्सन को मिलना चाहिए मॉर्गेजी, ये बोल के कोर्ट में केस फाइल करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट ये आता है कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि मॉर्गेज डीड में 3% का सिग्नेचर होगा सीएस, वर्किंग डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन इस मॉर्गेज डीड में सिर्फ 2% का सिग्नेचर है कंपनी सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर्स, ये बोल के ये मॉर्गेज डीड टोटली इनवैलिड है। सो दिस मॉर्गेज डीड इज इनवैलिड एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ये मॉर्गेज डीड क्या है, इनवैलिड है। अब ये मॉर्गेजी को कंपनी से वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा जिसके बेसिस पे वो कंपनी को लोन प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉर्गेजी ये बोलते हैं कि मतलब ये तो कंपनी का ऑफिसर्स का मैटर है, उन लोग से क्या सिग्नेचर किया उसके बारे में तो हमको कहाँ से नॉलेज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोर्ट ये बोल रहे कि ठीक है आपको इस टॉपिक पे नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ था, तो आपने अगर उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को नहीं पढ़ा, ठीक है ना, तो आपको मालूम नहीं हुआ कि हाँ यहाँ पे 3% का सिग्नेचर रिक्वायर्ड है। लेकिन हम लोग कोर्ट ये बोल रहे कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप जब किसी कंपनी के साथ कुछ डील कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है, आपने पढ़ा नहीं, तो डेट इज योर मैटर, ठीक है ना। अब यही जजमेंट आता है और इसके हिसाब से कंपनी का ये फेवर में जाएगा जजमेंट, और ये आउटसाइडर्स के फेवर में जजमेंट नहीं आता, ठीक है ना। और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस यूज करके कोर्ट कंपनी के फेवर में जजमेंट सुनाता है, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन भी है जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।